Hello and welcome to the Alliance Education's channel. We will be starting with the class 12 syllabus for English grammar. As you all know, English grammar amounts to 15% of your exam weightage even in the HSC section. And it becomes really important for all of us ki hum har ek wo mark jo 15% se milta hai usse bachayein. Humme iske liye writing skill aur grammar pe bahut focus karne ki zarurat hoti hai. In our first segment, we'll be discussing the grammar portion and later on we'll expand to the lessons and the writing section. Our first order or our first subject for today is a relatively new topic called collocations. Abhi collocations ek aisi cheez hai jo bachpan se to nahi padhte aa rahe ho, but bachpan se aapne iske bare mein suna zarur hoga. There have been various and numerous references to collocations throughout your school life. Even in day-to-day life, you encounter collocations. Exactly what are these? Let's find out. Let's start with a rudimentary or basic definition of collocations. What are those? Collocations are nothing but two or more words which we know always go together. There are certain words or word sets in the entire world and in our language which you'll find are consistent throughout. Hamesha, har jagah, kisi bhi reference mein, agar aapko achhi aur shuddh bhasha bolni hai, to aap hamesha un words ko usi order mein bologe. Uski jagah aapko dusra word replace nahi karoge. Aap hamesha use usi order mein bologe. For example, agar main fast food bolna chahun, agar main jitne bhi variety of food jo hum abhi khate hain, उनको अगर एक नाम देना तो मैं फास्ट फूड बोलूंगा. फास्ट का मतलब है जल्दी बनने वाला एंड फूड इज खाद्य पदार्थ. बट जल्दी के बदले में मैं क्विक इस शब्द का यूज तो नहीं करूंगा ना. आई वोंट कॉल इट क्विक फूड, आई विल कॉल इट फास्ट फूड ओनली, क्योंकि दिस सीम्स नेचुरल टू अस एंड कॉलिंग फास्ट फूड क्विक फूड सीम्स अननेचुरल. सो कोलोकेशंस आर ऑल अबाउट द डिफरेंस ऑफ द नेचुरल एंड द अननेचुरल. कुछ चीजें आपको सुनने में ठीक या सही लगती हैं और कुछ चीजें सुनने में शायद आपको प्रॉपर नहीं लगती. इसकी वजह है कि आप बचपन से, जब से भी आप इंग्लिश लैंग्वेज की बुक्स या फिर कन्वर्सेशनल इंग्लिश जिसे हम कहते हैं उसको जब भी आप सुनते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग में फिट बैठ जाते हैं कि भाई इसे तो ऐसे ही बोलना चाहिए. जब आप उस चीज से अलग हटते हो तो आपको वो चीज अननेचुरल लगती है और यही इंस्टिंक्ट हमारे सबसे ज्यादा काम आती है कोलोकेशंस आइडेंटिफाई करने में. कोलोकेशंस आए कहां से बेसिकली? सो कोलोकेशंस वर इन्वेंटेड बाय द पीपल हु केम फर्स्ट टू द पार्टी. मतलब जिन लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज या फिर जो इंग्लिश के नेटिव स्पीकर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस चीज को तो ऐसे ही बोलेंगे. और जब उन्होंने उस प्रॉपर तरीके से उस चीज को बोलना स्टार्ट किया तो हमें कोलोकेशंस मिले. और अभी कोलोकेशंस का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हमें उसका मतलब भी एग्जैक्टली वैसा ही लगता है. फास्ट फूड अगर मैंने सुना तो मेरे दिमाग में एक अलग इमेज बनेगी कि उस कैटेगरी में कौन से खाद्य पदार्थ आते हैं. बराबर यही चीज मैं क्विक फूड नहीं बोल सकता. इसीलिए अभी हमारे डिक्शनरी, हमारे डेफिनेशंस में, हमारे जहन में भी कोलोकेशंस का एक अलग असाइन मतलब तय हो चुका है. इनके अलग अलग टाइप्स हैं. वो क्या टाइप्स हम आगे देखते हैं. There are seven types of collocations. There may be many more collocations found and being invented in the world every day. But जो बेसिक टाइप्स है ये हमको इसलिए जानना जरूरी है बिकॉज हमको आइडेंटिफिकेशन भी करना होता है और हमें फॉर्मेशन भी करना होता है. We'll start with the first, the most frequent and the most obvious one, which is the combination of two parts of speeches, adverb plus adjective. Adverb वो चीज होती है जो किसी भी वर्ब या एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की क्वालिटी बढ़ा रहा होता है और एडजेक्टिव किसी एडवर्ब की या नाउन की या प्रोनाउन की क्वालिटी बढ़ा रहा होता है. पार्ट्स ऑफ स्पीच हम अभी तक पढ़ते आ ही रहे हैं. अब हमें यहाँ पे उनका एप्लीकेशन देखना है कि वो कैसे नया कोलोकेशन बनाते हैं. सो द एडवर्ब थरली या फिर फुली को अगर मैं ऐड करता हूँ प्रिपेयर्ड इस एडजेक्टिव के साथ में तो मुझे जो आंसर मिलता है वो मिलता है थरली प्रिपेयर्ड या फुली प्रिपेयर्ड. इसका मतलब होता है आई एम टोटली, मैं एकदम पूरी तरीके से तैयार हूं. राइट, अब
थरेली या फुली की जगह पे आप कंप्लीटली प्रिपेयर्ड कभी नहीं बोलोगे, अनलेस ऑफ कोर्स आप कुकिंग कर रहे हो तो आप बोल सकते हैं दिस इज कंप्लीटली प्रिपेयर्ड। बट अगर आप कोई पूछ रहा है कि आप की प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है विद रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन इंटरव्यूज एक्सेट्रा, यू विल ऑलवेज बी सेइंग आई एम थरली प्रिपेयर्ड या आई एम फुली प्रिपेयर्ड। और सेकेंड टाइप इज एडजेक्टिव प्लस नाउन, जैसे कि आप हॉरिबल प्लस स्मेल बोलोगे। स्मेल ये वर्ड आने से ही हमारे जहन में चीज बैठ जाती है कि इट मस्ट बी समथिंग बैड। हॉरिबल का मतलब भी बैड ही होता है, इसलिए आप कभी ये नहीं बोलोगे कि इट्स अ हॉरिबल अरोमा। अरोमा इज, ये वर्ड इज एसोसिएटेड विथ गुड स्मेल्स, इसलिए हम बोलेंगे हॉरिबल स्मेल, हम नहीं बोलेंगे हॉरिबल अरोमा। यहां पे मैंने सेकेंड एग्जाम्पल आपको फास्ट फूड का दिया हुआ है, हम क्विक फूड नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे फास्ट फूड। थर्ड कैटेगरी इज नाउन प्लस नाउन। ऑफ कोर्स दो नाउन्स मिलके भी कलोकेशन बना सकते हैं, कभी कभार दो नाउन्स मिलके कंपाउंड नाउन भी बनाते हैं जिसका एक सेपरेट सेक्शन होता है आपके एग्जामिनेशन में। यहाँ पे अगर बिजली कड़कने को मैं इंग्लिश में बोलना चाहता हूं तो मैं बोलूंगा अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग। ठीक है, बोल्ट का नॉर्मल मतलब होता है एक हार्डवेयर का कंपोनेंट और लाइटनिंग का मतलब होता है बिजली। इसी लॉजिक से अगर मैं इसका सिनोनिम या फिर इसका सिमिलर वर्ड अगर मैं डालूं सो इट शुड बी स्क्रू ऑफ लाइटनिंग, बट ऐसा नहीं बोलते हम। स्क्रू ऑफ लाइटनिंग बोलने में गलत लगता है, सुनने में भी गलत लगता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग। सो दो नाउन्स मिला के भी हम एक कोलोकेशन बना सकते हैं। अ फोर्थ कैटेगरी इज नाउन प्लस वर्ब। नाउन्स एंड वर्ब्स बहुत बार साथ ही साथ चलते हैं और एक सेंटेंस में एक नाउन का और एक वर्ब का साथ ही साथ होना बहुत जरूरी होता है, बट यहाँ पे अगर दोनों एक मतलब कन्वे करने के लिए यूज किए जा रहे हैं तो वो कोलोकेशन बनता है। हमारे पास में यहाँ पे एग्जाम्पल है विंड प्लस ब्लोज। विंड इज अ नाउन एंड ब्लोज इज अ वर्ब। विंड ब्लोज मतलब हवा चल रही है। अब इसको मैं विंड फ्लोज नहीं बोल सकता हूँ, फ्लोज इज एसोसिएटेड विद वाटर नॉट विद विंड, इसलिए विंड फ्लोज बोलना गलत होगा और विंड ब्लोज बोलना सही। नेक्स्ट कैटेगरी इज वर्ब प्लस नाउन। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम नाउन नाउन प्लस वर्ब, प्लीज ध्यान दीजिएगा। वर्ब प्लस नाउन एक सेपरेट कैटेगरी है। यहाँ पे हमारे पास में एग्जाम्पल है अटेम्प्ट द पेपर। अटेम्प्ट का मतलब होता है किसी चीज के लिए कोशिश करना, प्रयत्न करना, और पेपर मतलब आपका एग्जामिनेशन या जो भी। अब हमेशा जब मैं पेपर की बात कर रहा हूं तो मैं यही बोलूंगा अटेम्प्ट करो पेपर, आई वोंट से ट्राई द पेपर, जबकि दोनों का मतलब सेम होना चाहिए बट होता नहीं है क्योंकि अटेम्प्ट द पेपर इज अ कोलोकेशन। नेक्स्ट कैटेगरी इज वर्ब प्लस एडवर्ब। वर्ब और एडवर्ब भी बहुत बार साथ में चलते हैं और इनका एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, स्पीक हार्शली। अगर कोई कड़वे शब्द या कड़े शब्दों में बात कर रहा है, गुस्से से बात कर रहा है, तो हम बोलेंगे ही और शी इज स्पीकिंग हार्शली। हार्श का मतलब होता है रफ, टफ। अब मैं स्पीक हार्डली नहीं बोल सकता, हार्डली स्पीकिंग या स्पीकिंग हार्डली का मतलब अलग होता है, हार्श मतलब नहीं होता उसका, तो मतलब चेंज हो जाता है, इसलिए अगर हमको मतलब वैसे का वैसा रखना है तो हम स्पीक हार्शली बोलेंगे। और लास्ट कैटेगरी इज वर्ब प्लस एक्सप्रेशन विद प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन आपकी पोजिशन बताते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच जो हम बहुत बार ग्रामर में एनकाउंटर करते हैं बट हमें रियलाइज नहीं होता कि वो चीज आ चुकी है। इसका एग्जाम्पल जो हम यहाँ पे लेते हैं वो है बर्स्ट प्लस इनटू टीयर्स। जब भी कोई रोने लगता है तो उसे इंग्लिश में हम कहते हैं ही और शी बर्स्ट इनटू टीयर्स। बर्स का मतलब होता है एक्सप्लोड हो जाना या फूट जाना, बट यहाँ पे हम एक्सप्लोड होना नहीं बोल सकते, तो इसलिए हम ये कभी नहीं कहेंगे कि ही और शी एक्सप्लोडेड इनटू टीयर्स। वी विल ऑलवेज से ही और शी बर्स्ट इनटू टीयर्स। सो टिपिकली स्पीकिंग ऑल ऑफ दीज कलोकेशंस आर अ परफेक्ट मैच फॉर इच अदर। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ पॉइंटर्स को ध्यान में रखें व्हेन इट कम्स टू कलोकेशंस। फर्स्ट, दे शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड लाइक अ सेपरेट ब्लॉक इन ग्रामर। हम 500 स्पीच पढ़ चुके हैं, ये किसी कैटेगरी में नहीं आते। ये ना 500 स्पीच की कैटेगरी में आते हैं, ना टेंसेस की कैटेगरी में आते हैं, ना ऑक्सिलरीज की कैटेगरी में आते हैं। दे आर अ सेपरेट कैटेगरी ऑल टुगेदर। ज्यादा रूल्स अप्लाई नहीं होते, सिर्फ टाइप्स आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी होता है हमारे पास। और जब भी हम फॉर्मल इंग्लिश की बात करते हैं वो हमेशा करेक्ट कॉलोकेशन का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया द पीपल हु इन्वेंटेड द लैंग्वेज इन्वेंटेड द कोलोकेशंस। सो फॉर्मल इंग्लिश इज द मोस्ट करेक्ट सोर्स ऑफ कोलोकेशंस। अभी
तीसरा पॉइंट हमें बताता है कि करेक्ट एडवर्ब को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एडवर्ब एडवर्ब्स ऑफ मैनर स्पेशली आपको दर्शाते हैं कि कोई चीज कैसे की गई है. तो जब आप एडवर्ब प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन या वर्ब प्लस एडवर्ब का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं उसमें करेक्ट एडवर्ब को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट, आई विल टेल इट टू यू इन अ बिट. कोलोकेशंस इडियम्स में भी यूज होते हैं. इडियम्स का मतलब होता है फ्रेजेस जो आप नॉर्मली किसी न किसी बोलचाल की भाषा में यूज करते हो. इडियम्स का एक सेपरेट टॉपिक है, वी विल बी टचिंग दैट एज वेल. एंड कोलोकेशंस आर एक्सट्रीमली डिफरेंट फ्रॉम कंपाउंड नाउन्स और कंपाउंड वर्ड्स, एज इनका जो ओरिजिन रहता है वो सेम मतलब यहाँ पे अप्लाई नहीं होता. दैट मीनिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम देयर ओरिजिन. हालांकि कोलोकेशंस में ओरिजिन से अलग मतलब कभी नहीं होता. एंड आवर वर्ल्ड इज फुल ऑफ कोलोकेशंस. हमें सिर्फ देखना पड़ता है कि हम कौन सी चीज कोलोकेशन हो सकती है. अब कोलोकेशंस का हम नॉलेज बेस इंप्रूव कैसे करें, यहाँ पे आपके पास में चार पॉइंटर्स दिए हैं. रीडिंग, एंड डेफिनेटली रीडिंग इज द बेस्ट प्रैक्टिस टू अंडरस्टैंड कोलोकेशंस एंड फॉर आइडेंटिफाइंग देम. बिकॉज जब भी आप रिटन वर्ड पढ़ते हो तो वो 90% केसेस में फॉर्मल इंग्लिश से या फिर प्रॉपर कोलोकेशंस के साथ में ही आता है. एक सेकेंड एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, जब भी हम किसी वर्ड के आसपास आते हैं जो हमको पता है कोलोकेशंस में यूज हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल एडवर्ब या एडजेक्टिव, तो हम ये सोच सकते हैं कि इसके साथ में और क्या क्या चीज आएगी. अगर जैसे मैं फास्ट वर्ड यहाँ पे करता हूँ, ध्यान में लेता हूँ, तो फास्ट के साथ में और क्या चीज आ सकती है, फास्ट रन, फास्ट लेन, एटसेट्रा एटसेट्रा. अभी स्ट्रेंथ कैसे डिटरमाइन करना चाहिए, अगर दो वर्ड्स ऐसे हैं जो साथ में ही यूज किए जा सकते हैं, उनका और कोई दूसरे वर्ड्स के साथ में कॉम्बिनेशन नहीं बनता, तो हमें उनको हम कहते हैं कि दे आर अ स्ट्रॉन्ग कोलोकेशन. और अगर वो बहुत सारी जगह पे मिलते हैं तो हम बोलेंगे कि दे हैव अ वीक कोलोकेशन. और अगर हम कोलोकेशंस का अच्छे से स्टडी करते हैं, उनको आइडेंटिफाई और यूज प्रॉपर तरीके से करते हैं, तो हमारी लैंग्वेज इंप्रूव होती है, सुनने में भी बहुत अच्छी लगती है, फॉर्मल इंग्लिश तो हमारी बहुत अच्छी लगती है. फॉर्मल इंग्लिश को सबसे ज्यादा वेटेज होता है रिटन एग्जामिनेशंस में, इसलिए लर्निंग कोलोकेशंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. कमिंग टू द क्रक्स कि हमारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं एग्जामिनेशन में, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज आइडेंटिफाई द कंपाउंड नाउन्स और कोलोकेशंस. दोनों प्रकार के सवाल आपको एग्जाम में आते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद कोलोकेशंस, आपको पैसेज में से कोलोकेशन यहाँ पे अप्लाई करना होता है फिल इन द ब्लैंक में. प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, प्रीटी ईजी, बट सबसे डिफिकल्ट होता है रिप्लेस करो प्रॉपर कोलोकेशन के साथ में. हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि इस सेंटेंस में एक जो कोलोकेशन यूज किया गया है वो गलत है, उसका करेक्ट कोलोकेशन क्या होगा. इस प्रकार के सारे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं. अभी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, we'll be discussing the exercises and further examples of collocations which will make you help understand it better. Our next lecture is also going to be about articles, unke usages aur unke omission, kahan kahan pe unko chhodna hota hai, kahan kahan unko kaise use karna padta hai. I'm proud to announce that Alliance Education has now its admissions open for both the classroom program and the online program. You can contact the numbers given on the screen to register your admissions. There are a lot of prizes and there are a lot of incentives given to early admissions. And how will you benefit out of it? आप जो भी video lectures देख रहे हैं, उन सब के notes, उनकी worksheets और उनकी PDF आपको दे दिए जाएंगे. आपके assessment के लिए weekly online tests भी होते हैं, quizzes भी होते हैं, जिनका result आपको तुरंत मिलता है. इसके अलावा अगर आपको कोई भी problem जा रही है तो हम time to time online guidance भी provide करते हैं video call. Apart from that, हमारे जो explanations होते हैं वो इतने to the point और इतने अच्छे याद करने के हिसाब से हो जाते हैं कि आपको कभी कोई problem जाएगी ही नहीं. Our details are given here, including the address, the contact numbers and the website. If you want the PDF of the lecture, please contact on the given numbers. In the end, if you like the video, please hit the like button and show your support to us in the comment section. Last, do not forget to subscribe to the channel of Alliance Educations for our regular and timely updates. If there's anything else which you'd like to see on our channel, please let us know by emailing or by contacting us on the given contact numbers. Thank you and thanks for joining.